आमना, क्या हुआ बेटा? तुम सुबह से अपने कमरे में क्यों बंद हो? तुम्हारे पापा भी पूछ रहे हैं कि तुम सुबह से बाहर नहीं आई। इज एवरीथिंग ओके? मामा मेरा बस मूड ठीक नहीं है, बस इसीलिए कमरे में बैठी हुई हूँ। क्या हो गया मेरी बेटी के मूड को? किसने खराब कर दिया? मेरी बेटी का मूड तो कभी भी खराब नहीं होता। मामा मैं बस सोच रही हूँ कि आखिर के बिजनेस का क्या होगा। पापा उसकी हेल्प कर देंगे ना? तुम अब इस बारे में परेशान नहीं है। पापा ने कहा है ना तुम्हें कि वो उसकी हेल्प करेंगे, तो वो कर देंगे। सो यू डोंट वरी, ओके? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज? मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें कॉलेज के लिए बाहर भेज रहे हैं। आप लोगों ने तो मुझे साफ मना कर दिया था ना कि आप लोग मुझे अपने आप से इतना जल्दी दूर नहीं कर सकते, तो अब क्या हुआ? मुझे याद है हमने मना किया था, लेकिन हमने कहा था कि हम तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए भेजेंगे। हाँ तो यूनिवर्सिटी में तो अभी काफी टाइम है, अभी तो स्कूल चल रहा है, और मैंने तो इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है, तो अब अचानक पापा को क्या हो गया? मैंने मनाया है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, और अगर हम तुम्हारी विशेष का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और बेटा हालात ना पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे पापा सोच रहे हैं कि बिजनेस बाहर सेट कर लें। तो अच्छा है, तुम पहले चली जाओगी, पढ़ोगी वहां पर, सेटल हो जाओगी, तो इसमें क्या बुराई है? मामा, बट आई हैव चेंज माई माइंड। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अब देखिए मेरी पढ़ाई यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है ना, तो मैंने तो सोचा है कि मैं कॉलेज भी यहीं पर पढ़ूंगी। लेकिन बेटा तुमने खुद डिसाइड किया था कि तुम्हें बाहर जाना है। मैंने किया था, पर अब मेरा इरादा बदल गया है। प्लीज, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, यूं डिसीजन चेंज होते, कभी माइंड इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। अजीब लड़की हो, पता नहीं अपने डिसीजन किस तरह से चेंज करती हो, कभी ये कभी वो कभी यूं। ये तो कुछ समझ नहीं आता तुम्हारा। सुनो, तुम्हारे पापा बाहर बुला रहे, आ जाना।